Sashikar, welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. I'm back with another product empties video. This time there's like a huge basket of empties. मैंने पूरा एक drawer बनाया हुआ है अपने washroom में, जो भी चीज़ें खत्म होती है मैं उसमें डालती रहती थी. I think last empties जो मैंने बनाया था इस साल के starting में एक बनाया था, which was more like 2023 के empties. So इसको आप almost 2024 हमारा आधे से ज़्यादा निकल गया है, वो वाले empties बोल सकते हो. I have a lot of products from skin care, hair care. So आज आपको पता चल जाएगा कि ये worth buying है या नहीं. So this is Plum Body Loving Orchidue Knot Body Mist. This is how it looks like. Orchidue Knot अभी एक recently launched body mist range है, ज़्यादा पुरानी नहीं है. Oh my God, it smells so so good. अगर आप कुछ different body mist ढूंढ रहे हो ना, जो usual citrusy ना हो, sweet ना हो, somewhere like in the middle, जिसकी खुशबू एकदम हटके हो, you have to try this. I would call it best of both worlds because इसके अंदर fruity, citrusy, थोड़ा सा men perfume का एक mixture है जो मुझे personally बहुत पसंद आया. You can definitely try it. I have a code on Plum as well, which is Kashika 15. This video is not sponsored. Let me tell you in advance, कुछ भी इस वीडियो में स्पॉन्सर नहीं है. दीज आर ऑल माई पर्सनल एम्प्टीज. फिर आई है सबसे बड़ी बॉटल रोज वाटर की. दिस इज बंजारा सॉफ्ट एंड यंग प्रीमियम रोज वाटर. ये उनका सबसे बड़ी वाली बॉटल है और मेरा अभी भी एक रोज वाटर वॉशरूम में रखा है जो ऑलमोस्ट अब खत्म होने वाला है. वो आई थिंक आयुर का है, वो मैं ट्रेड फेयर से लाई थी. सो मैं ये वाले रोज वाटर वॉशरूम में रखती हूँ. डोंट वरी, दिस इज नॉट फॉर माई फेस. इतने बड़े बड़े टोनर्स ऑफकोर्स मैं फेस के लिए नहीं लेती. सो मेरी आदत है वॉशरूम में कभी कभी लाइक जो बाल्टी होती है उसमें थोड़ा सा रोज वाटर डाल के and then I take a dip, last में डाल लिया. अच्छा होता है. रोज वाटर इज अ वेरी नाइस थिंग फॉर क्लेंजिंग योर बॉडी. लाइक आई बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल्सो आई पर्सनली बिलीव कि अगर आपको अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग करना है, यू शुड रियली टेक बाथ इन रोज वाटर. लास्ट में कुछ नहीं करना है, तो पूरी बकेट में डाल दो थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, लाइक इतना एक ढक्कन आप डाल सकते हो, या फिर आप लास्ट में जो टम्बलर होता है उसमें पानी डाल के मिक्स करके यू कैन जस्ट पोर ऑन योर बॉडी. बॉडी से खुशबू भी अच्छी आती है, डिटॉक्सिफाई भी हो जाती है, और रोज वाटर का जो ऑरा होता है ना, वो ओवरऑल बहुत क्लेंजिंग होता है. सो या आई पर्सनली बिलीव इन इट. सो ये मैंने बहुत पहले फिनिश कर दी थी, अब सेकंड वाली भी फिनिश होने वाली है. नेक्स्ट अप वी हैव स्कॉर्शॉफ का बोना केयर रेंज का केरेटिन स्मूथ परफेक्ट शैम्पू. ये मुझे बहुत पहले नायका से पीआर में आया था. आई थिंक मैंने शादी के बाद ही लास्ट ईयर ये खोला था. एंड दिस इज लिटरली लाइक अ क्लियर जेल बेस्ड शैम्पू. जैसे एकदम क्लियर जेल होता है ना, ट्रांसपेरेंट, ये बिल्कुल वैसा शैम्पू है. सो आप इसको क्लैरिफाइंग या क्लेंजिंग शैम्पू भी बोल सकते हो, बिकॉज ये इतना स्मूदनिंग या फिर नरिशिंग नहीं है. बट दिस वन इज स्पेसिफिकली फॉर केरेटिन वाले बाल. लाइक जो भी लोग केरेटिन ट्रीटमेंट कराते हैं, अगर उनको अपनी केरेटिन मेंटेन करके रखनी है, बिकॉज केरेटिन ट्रीटमेंट में क्या होता है, जितना मैंने प्रोफेशनल से सुना है, आप जितना बार हेयर वॉश करते हो वो केरेटिन की लेयर निकलती रहती है. सो यू रियली हैव टू बी केयरफुल विद योर हेयर वॉश रूटीन. आप केरेटिन कराने के बाद नॉर्मल शैम्पूज एंड ऑल नहीं यूज कर सकते, बिकॉज उसका फिर रिजल्ट इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा. तो ये जो केरेटिन स्मूथ रेंज है, ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है. मैंने पर्सनली अभी तक केरेटिन नहीं कराई. मेरा बहुत मन है आजकल केरेटिन या फिर कुछ जैसे आजकल क्या चल रहा है, व्हाट इज दैट कॉल्ड, हेयर बोटॉक्स कराने का. बट या वो फ्यूचर में मैं आपको बताऊंगी. अगर आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है केरेटिन या फिर हेयर बोटॉक्स का, प्लीज मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना. आई रियली वॉन्ट सम रियल रिव्यूज, जिन्होंने ऐसे बेबी बालों पर कुछ कराया और उस पर क्या रिजल्ट रहे हैं. नेक्स्ट वी हैव अ हेयर मास्क. दिस वन इज फ्रॉम बी ब्लंट इंटेंस मॉइस्चर हेयर मास्क. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. और ये मैंने पूरा खत्म कर दिया, मतलब अच्छे से निचोड़ दिया है. एक कॉर्नर में भी आपको हेयर मास्क नहीं दिखेगा. इसकी बिल्कुल व्हाइट कलर की क्रीमी कंसिस्टेंसी है. दिस इज अ वेरी नाइस हेयर मास्क, स्पेशली इन विंटर्स या फिर अगर आपके समर्स में भी अल्ट्रा ड्राई सूखे बाल हैं. काफी बार होता है ना, हम एक्सेसिवली ब्लो ड्राइंग कर लेते हैं, प्रेसिंग, स्ट्रेटनिंग, कर्लिंग इतनी ज्यादा करते हैं, आपके बाल ऐसे सूख जाते हैं, बिकॉज एक्सेसिव हीट की वजह से भी आपके बाल डैमेज होते हैं. सो उस केस में ये इंटेंस मॉइस्चर जो मास्क है बहुत अच्छा है. इनफैक्ट इसकी एंटायर रेंज बहुत अच्छी है. द शैम्पू इज गुड, द कंडीशनर इज गुड, लेकिन हेयर मास्क मेरा पर्सनल फेवरेट है. वेरी वेरी नरिशिंग. इसको जो आप लगाओगे, फिर आप जब इसको ठंडे पानी से वॉश ऑफ करोगे ना, आपको लगेगा कि हाँ, एक नरिशमेंट की लेयर आई है मेरे बालों पे. ओवरऑल आई लव इट. मंथली फेवरेट्स में या फिर एमटीज की, लास्ट दो साल से जो मैं एमटीज बना रही हूँ, आई थिंक उसकी हर वीडियो में आपको शैम्पू दिखाई होगा. सो दिस वन इज नायका नेचुरल्स अनियन फेनोग्रीक शैम्पू. ये शैम्पू मुझे अच्छा लगता है. लाइक कुछ कुछ दिन होता ना, नहीं समझ आ रहा क्या यूज करना है, फटाफट से इसको उठाया, हेयर वॉश किया एंड गुड टू गो. ये कुछ एक्सेसिवली कुछ ऐसा वर्क नहीं करते कि या तो आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बना देंगे, डैंड्रफ हटा देंगे. नहीं, ये एक नॉर्मल शैम्पू है जिससे आपके बाल क्लेंस हो जाते हैं, जिसका फोम बहुत अच्छा बनता है. बट द गुड पार्ट इज दीज आर मिनरल ऑयल फ्री, दीज आर हैव नो एडेड कलर, दीज आर SLS, SLES एंड पैराबिन फ्री. तो अगर आप ऐसे वाले शैम्पूज देख रहे हो तो डेफिनेटली आप ये यूज कर सकते हो. बोथ ऑफ देम आर फ्रॉम द सेम रेंज, दीज आर द अनियन फेनोग्रीक रेंज. इसकी और भी रेंजेस आती हैं, आप वो भी ट्राई कर सकते हो. बट ओवरऑल इनकी जितने भी शैम्पू है ना, सॉर्ट ऑफ सेम ही वर्क करते हैं, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है. सो अगर आप एक जनरल शैम्पू देख रहे हो, बिकॉज नायका की सेल पे 50% ऑफ पे आपको मिल जाते हैं, मोर देन 50% ऑफ पे कॉम्बो भी मिल जाता है. सो रेगुलर यूज करने के लिए मुझे ये शैम्पूज अच्छे लगते हैं.
नेक्स्ट अब वी हैव लोड्स ऑफ फेस वॉशेस, मैंने सारे कलेक्ट कर लिए ताकि मैं आपको बैक टू बैक फेस वॉश के एमटीज के रिव्यू दे पाऊँ. सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फेस वॉश से. सो यह रिकुल का ऑयल कंट्रोल फेस वॉश फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन. ये बनाई स्पेसिफिकली ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए है और मैंने कंप्लीटली फिनिश कर दिया है. ये एक ट्रांसपेरेंट ब्लू कलर का जेल बेस्ड फेस वॉश है. फोम्स रियली वेल, काफी अच्छे स्किन को क्लेंस कर देता है. इट हैज जिंक पीसीए, दिस इज सोप एंड सल्फेट फ्री, तो एक्सेसिवली आपकी स्किन को ड्राई नहीं बनाता. फोम भी इसमें ठीक ठाक बनता है, एक्सेसिवली फोम नहीं बनता लेकिन एक डिसेंट फोम बनता है जिससे आपकी स्किन क्लेंस हो जाती है. ओवरऑल अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, आपको थोड़े बहुत एक्ने हैं या फिर आपकी टीनेज स्किन है, बिकॉज इसमें ना कोई केमिकल एक्सफोलिएंट नहीं है, तो अगर आप यंग हो लाइक 12-13 साल के हो, जब आपको नए नए एक्ने निकलने शुरू होते हैं, देन डेफिनेटली यू कैन यूज दिस फेस वॉश, बिकॉज यंग एज में आपको ज्यादा केमिकल एक्सफोलिएंट्स नहीं यूज करने चाहिए. तो जब ये स्टार्टिंग में मेरे पास बायोडर्मा से पीआर में आया था ना, ये बहुत टाइम तक रखा ही रहा था, बिकॉज आई थॉट ड्राई स्किन के लिए तो बड़ा क्रीमी होगा, नरिशिंग होगा, एंड आई थॉट ये तो मेरे लिए बना ही नहीं है. बट वेन आई सॉ रिव्यू ऑफ अ फेलो ब्लॉगर, उनका भी स्किन टाइप ऑयली है, एक्ने प्रोन है, शी लव्ड इट, तो तब मैंने इसकी सील खोली, इसको यूज किया, एंड इट इज एक्चुअली अ ब्लू कलर का जेल बेस्ड फेस वॉश. अब तो कंप्लीटली फिनिश हो चुका है, बट आपको यहाँ से कलर से पता चल रहा होगा इसमें ब्लू कलर का ट्रांसपेरेंट जेल फेस वॉश है, एंड दिस इज सो सो गुड. सो इसकी पैकेजिंग और क्लेम्स में जाना, ये ऑयली स्किन वालों के लिए भी बहुत अच्छा फेस वॉश है. इनफैक्ट काफी बार होता है ना, हमें एक्ने वैसे इतनी रेडनेस हो जाती है, हम कुछ और प्रोडक्ट नहीं यूज कर सकते, स्किन थोड़ी सी बर्न करती है, सेंसिटिव होती है, तो उस केस में भी आप उसको यूज कर सकते हो. मैंने फेस वॉश स्पेसिफिकली अभी लास्ट ईयर, फिर अभी बोल सकते हो, जब विंटर्स थी ना, जैन फेब मार्च, जब हल्की हल्की स्किन थोड़ी थोड़ी सूखी सूखी होती है, मैंने इसको तब स्पेसिफिकली यूज किया था. लाइक विंटर्स में ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा फेस वॉश है. अब दोबारा विंटर्स आ रहे हैं, आई थिंक आई विल बाय दिस वन, बिकॉज मुझे बहुत अच्छे से सूट किया था. नेक्स्ट अब वी हैव अ ओल्ड फेवरेट. ये लास्ट ईयर जब बाली जा रहे थे हम, तब मैंने ऑनलाइन नायका से मंगवाया था, बिकॉज मुझे अपनी किट के लिए एक छोटा फेस वॉश चाहिए था. जितने फेस वॉशेज है वो इतने बड़े बड़े होते हैं, एंड आई डोंट लाइक कैरिंग वेरी ह्यूज फेस वॉश. ये 8-10 दिन की ट्रिप के लिए एकदम परफेक्ट फेस वॉश है. दिस इज माई ओल्ड फेवरेट. जो लोग मेरे ओजी फैमिली मेंबर हैं, जो स्टार्टिंग से मुझे फॉलो करते हैं, उन्होंने उनको याद ही होगा जब मुझे बहुत ज्यादा एक्ने हो गए थे पीसीओएस हार्मोनल इश्यूज की वजह से, तब मैंने काया की पूरी एक रूटीन फॉलो करी थी, एंड इट एक्चुअली वर्क रियली वेल फॉर मी. काया का ये वाला एक्ने प्योरीफाइंग फेस वॉश, एक्ने प्योरीफाइंग टोनर, इसका एक एक्ने प्योरीफाइंग मॉइस्चराइजर भी आता है, वो पूरी रिजीम बहुत अच्छे से मुझे सूट करी थी. दिस इज नॉट एक्सेसिवली स्ट्रिपिंग ऑफ लाइक सैल्सिलिक एसिड है, इसका मतलब ये नहीं है स्किन को सुखा देता है या बहुत ज्यादा ड्राई ड्राई बना देता है. दिस इज गुड. लाइक इसको यूज करने के बाद आपकी स्किन ड्राई नहीं फील होती, इरिटेटेड फील नहीं होती. तो अगर आपको भी एक्ने इश्यूज हैं, आप ये एक्ने फ्री रेंज जो काया की आती है ना, यूज करना, एंड यू विल लव इट. अनदर एक्ने स्किन फेस वॉश इज द डॉक्टर शेट्स नीम एंड सैल्सिलिक एसिड फेस वॉश. इट हैज 1% सैल्सिलिक एसिड, नीम, तुलसी. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड स्कूल नीम तुलसी वाले फेस वॉश प्लस आजकल जो केमिकल एक्सफोलिएंट चल रहे हैं, दोनों का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है. इसमें बहुत अच्छे से फोम होता है, स्किन को क्लेंस बहुत अच्छे से करता है, लेकिन ये काफी बार थोड़ा सा ड्राई फील होता है पोस्ट यूसेज. तो अगर आपकी एक्सट्रीमली ऑयली स्किन है, मतलब इतनी ज्यादा ग्रीसी स्किन है, कोई फेस वॉश आपकी स्किन का ऑयल नहीं हटा पा रहा, ट्राई दिस वन. एंड इसके अंदर नीम भी है, तुलसी भी है, तो एंटी बैक्टीरियल एजेंट का भी काम करता है, स्किन को क्लेंस भी करता है. नेक्स्ट अब यार समथिंग जो मैंने रिसेंट वीडियोज में काफी बार दिखाया हुआ है, अपने स्किन के रूटीन में भी दिखाया था, मैंने अपने 2023 के फेवरेट्स में भी दिखाया था, बिकॉज ये इतनी बड़ी ट्यूब है ना कि आराम से आपकी 1-2 साल निकाल देगी, बिकॉज दिस इज एन एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश. तो इसको डेली यूज करने की जरूरत नहीं, इसको आप ऑल्टरनेट डेज पे या फिर ट्वाइस अ वीक यूज करो, दैट्स गुड इनफ. अगर बहुत एक्सट्रीमली आपके ऐसे कंजस्टेड स्किन है, आप बाहर बहुत ज्यादा जाते हो, धूप पे या फिर स्कूटी में ऑटो में ज्यादा जाते हो, लाइक काफी बार होता है ओपन एयर ट्रैवलिंग जब इतनी ज्यादा करते हो तो फिर मिट्टियां चिपक जाती हैं आपकी स्किन पे, उस केस में आप इसको ऑल्टरनेट बेसिस पे यूज कर सकते हो. अदरवाइज मैं यूज करती थी लाइक ट्वाइस इन अ वीक और थ्राइस इन अ वीक मैक्स. ये बायोडर्मा का पिगमेंट बायो फोमिंग क्रीम, इसका नाम फोमिंग क्रीम है लेकिन ये क्रीम नहीं है, इट्स अ फेस वॉश एक्चुअली, एंड दिस इज अ ब्राइटनिंग क्लेंजर. एक्सफोलिएट करता है, इवन आउट करता है स्किन को, डार्क स्पॉट्स एंड सेंसिटिव स्किन के लिए बनाए. बायोडर्मा का सबसे खास बात यही है कि वो अपने सारे जो टाइप्स होते हैं आप मेंशन कर देते हैं कि किस टाइप के लिए बनाए. सो ओवरऑल इट इज अ वेरी जेंटल फेस वॉश विद वेरी वेरी माइल्ड एक्सफोलिएटिंग पार्टिकल्स. इसमें इतने छोटे छोटे एक्सफोलिएटिंग पार्टिकल्स हैं, जब स्क्रब करोगे ना फेस पे आपको हल्का हल्का फील होगा कि हाँ ये कहीं ना कहीं डेड स्किन को हटा रहा है. डर्मैट्स भी रिकमेंड करते हैं, दिस इज वेरी सेफ फॉर एक्ने प्रोन स्किन एज वेल. ये जो नोज के व्हाइट हेड्स हैं यहाँ पे थोड़े से होते हैं, या फिर जो यहाँ पे एक हल्का हल्का डेड स्किन फील होती है ना, ये बहुत अच्छे से उसको हटाता है. आपने मेरे रिसेंट स्किन केयर रूटीन में भी देखा ही होगा. या समथिंग जो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर ही दिया कि चलो अब नेक्स्ट टाइम के लिए क्या रखना, जब खत्म होगा आई जस्ट थ्रो इट आउट. ये केमिस्ट एट प्ले का 2% सैल्सिलिक एसिड एजिलिक एसिड फेस वॉश एंड सीका एज वेल. ये क्लॉथ ऐसा फेस वॉश है जिसके अंदर एक्ने फाइटिंग इंग्रीडियंट्स भी हैं एंड देन इट हैज सीका एज वेल. तो इसमें काफी अच्छा एक कॉम्बिनेशन है जो एक्ने से भी फाइट कर रहा है लेकिन थोड़ी सी नरिशमेंट भी दे रहा है, आपकी स्किन को सुखा नहीं रहा. सरप्राइजिंगली बहुत अच्छे से वर्क किया है.
करने लिए. ये मुझे नायका के पीआर में आया था और बहुत टाइम से रखा था, मेरा सारे एक्ने फेस वॉशेस खत्म हो रहे थे तो मैंने इसको निकाल लिया एंड इट वर्कड आउट रियली वेल फॉर मी. मैंने इसको अपने नायका रिकमेंडेशन वीडियो में भी आपको रिकमेंड किया था. 200 rupees समथिंग का मिलता है नायका की सेल पे, वर्थ एवरी पेनी. इसका एक रेड कलर का टेक्स्चर है, बहुत इसके अंदर ग्रैन्यूल्स भी हैं जो बर्स्ट हो जाते हैं. दोज आर नॉट स्क्रबी वाले ग्रैन्यूल्स, वो स्किन में ब्लेंड हो जाते हैं. बहुत अच्छे स्किन को क्लेंस करता है, ड्राई नहीं फील कराता. फॉर एक्ने प्रोन स्किन दिस वन इज अ रियली नाइस फेस वॉश. नेक्स्ट अप वी हैव माइसेलर वाटर्स. आई लव यूजिंग माइसेलर वाटर, चाहे मेकअप ना भी किया हो. जिम से आने के बाद मैं माइसेलर वाटर से अपना फेस को क्लेंस करती हूँ. उससे क्या होता है, स्वेट भी निकल जाता है, जो एक्सेसिवली डर्ट होती है वो भी निकल जाती है. उसके बाद जब आप फेस वॉश करोगे ना, आपको और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, कहीं ना कहीं डबल क्लेंस हो जाती है स्किन. तो सबसे पहला माइसेलर वाटर जो मैंने रिसेंटली खत्म किया, मेरे पास अभी एक रखा भी हुआ है, वो भी मेरा खत्म होने वाला है एंड आई एम सैड अबाउट इट बिकॉज ये इंडिया में नहीं मिलता. मैंने गाने को इतनी बार टैग किया ना अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे कि गाने प्लीज लॉन्च दिस माइसेलर वाटर इन इंडिया. मैं लास्ट ईयर बाली गई थी, मुझे लगा चलो एक दो मतलब अगले साल तक तो इंडिया में आ ही जाएगा, 6-7 महीने में आ जाएगा, लेकिन एक साल हो चुकी है अभी तक नहीं आया. सो या बाहर की मार्केट के कंपैरिजन में इंडिया में लॉन्चेस इतने लेट होते हैं ना, और जब भी मैं कहीं बाहर कंट्री में जाती हूँ मैं हमेशा वहाँ पे एनालाइज करती हूँ कितनी सारी वैरायटी, और इंडिया में अभी खाली वो एक दो वैरायटी सेल कर रहे हैं. सो या आई होप गार्नियर उसको जल्दी से जल्दी लॉन्च करे बिकॉज आई पर्सनली लव इट. ये गार्नियर का माइसेलर क्लेंजिंग वाटर इन द वेरिएंट सैलिसिलिक BHA, ये कुछ इस तरह से दिखता है. सो ये बेसिकली एक सैलिसिलिक एसिड बेस्ड माइसेलर वाटर है, तो एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छा है. इट हैज दिस इज फॉर डल एक्ने प्रोन स्किन. इसके अंदर बेसिकली इन्होंने सैलिसिलिक एसिड डाला हुआ है जो काफी अच्छे से एक्ने के साथ भी फाइट करेगा, लेकिन मेकअप को बहुत अच्छे से हटाता है. आई पर्सनली लव इट. मैंने इस बार 2 खरीदे थे थाईलैंड से, बट एक मेरा माइसेलर वाटर जल्दी जल्दी मेरे स्लिंग बैग में रह गया. एंड जब आप एयरपोर्ट पर चेक इन करते हो, आपके जो बैकपैक होता है जो आपने केबिन में लेके जाते हो, उसमें 100 ml से ऊपर अलाउड नहीं होता, और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 125 ml. तो उसकी वजह से हमें वो बॉटल करनी पड़ी. वो एक न्यू ब्रांड फुल बॉटल थी, बड़ा दुख हुआ, बट चलो कोई, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगी. ओवरऑल दिस इज वेरी नाइस. अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो, आप कहीं थाईलैंड जा रहे हो, बाली या फिर यूएसए कहीं भी जा रहे हो, आपको डेफिनेटली वहां पे ये सुपरमार्केट या फिर केमिस्ट में दिख जाएगा. बाय दिस वन, दिस इज वेरी नाइस फॉर एक्ने प्रोन स्किन. स्टफ इज ऑल्सो फ्रॉम गार्नियर. दिस इज द गार्नियर माइसेलर वाटर ऑल इन वन. दिस वन इज फॉर सेंसिटिव स्किन. ये पिंक वाला तो आई थिंक बहुत सालों से चल रहा है. दिस इज नाइस, लाइक अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, ना ज्यादा एक्ने है ना ज्यादा ड्राई, लाइक कॉम्बिनेशन सॉर्ट ऑफ स्किन है, तो ये माइसेलर वाटर जेंटल है, काफी अच्छे से मेकअप को भी रिमूव कर देता है, स्किन को ज्यादा रेडनेस फील नहीं कराता. ओवरऑल ये आईज लिप्स के लिए या फिर जनरल मेकअप हटाने के लिए एक अच्छा माइसेलर वाटर है, लेकिन इसके अंदर कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है. एंड देन वी हैव द मोस्ट माइल्डेस्ट माइसेलर वाटर ऑफ माई लाइफ. इसको जब मैंने यूज किया ना, आई फेल्ट लाइक किया स्किन में से हटा है या फिर नहीं हटा, बिकॉज ये बहुत ज्यादा जेंटल है. ये तो मैं जिम से आने के बाद यूज करती थी एज अ टोनर, ताकि जो थोड़ी बहुत डेड स्किन है, स्वेट है, वो निकल जाए, बिकॉज अदरवाइज ये मेकअप को इतना स्ट्रांगली नहीं हटाता. दिस इज वेरी वेरी माइल्ड. तो अगर आप बहुत कम मेकअप करते हो या फिर करते ही नहीं हो, आपको खाली जेंटली अपनी स्किन को क्लेंस करना है फेस वॉश करने से पहले, तो आप ये सिंपल का माइसेलर वाटर ले सकते हो. इसका नाम है सिंपल ऑयल बी गॉन माइसेलर वाटर. ये डीपली क्लेंस करता है, रिमूव करता है मेकअप, मैटिफाइज डेली स्किन डिटॉक्स. इसके अंदर कोई कलर नहीं है, परफ्यूम नहीं है, कोई हार्श केमिकल नहीं है, नो सैलिसिलिक एसिड, मतलब इसके अंदर कुछ भी कुछ हार्श इंग्रेडिएंट नहीं है. तो अगर आपको एक जेंटल सिंपल सा एक माइसेलर वाटर चाहिए जिससे हाँ थोड़ा बहुत मेकअप हट जाए, थोड़ी बहुत स्किन क्लेंस हो जाए, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट. नेक्स्ट वी हैव मोर रोज वाटर्स, बिकॉज मुझे समर्स में रोज वाटर फेस पे स्प्रे करना बहुत पसंद है. नंबर 1 माइसेलर वाटर इज द ड्रॉमेन को रोज वाटर फेस्ड मिस्ट. ये कुछ इस तरह से दिखता है, स्लाइटली एक्सपेंसिव. तो जब भी 50% ऑफ पे, 75% समथिंग ऑफ पे आए ना, हाइव स्टोर पे इसकी बहुत अच्छी डील आती है, नायका पे अच्छी डील्स आती हैं, तब ले सकते हो. बिकॉज MRP के हिसाब से मुझे ये इतना तो कुछ खास नहीं लगता. ऑफकोर्स इट्स प्योर, इसमें कोई कलर नहीं है, कोई आर्टिफिशियल कुछ डाला नहीं हुआ, इट फील्स लाइक अ नाइस प्योर रोज वाटर. बट ओवरऑल प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे एक्सपेंसिव लगता है, और ये स्प्रे बॉटल को मैं वॉश करके रीयूज करने वाली हूँ, बिकॉज ऐसी बॉटल्स में मैं पानी एंड ऑल डाल देती हूँ और काम आता है वो थोड़ा थोड़ा रीयूज करने में. देन नेक्स्ट अप वी हैव खादी एसेंशियल्स का प्योर वाइल्ड रोज वाटर. ये मैंने कोई सुपरमार्केट से लिया था बहुत पहले, ये भी मैंने ऐसे फेस पे स्प्रे करके या फिर पैक्स में मिक्स करके यूज किया है, बट इसमें एक केमिकल ही खुशबू थी जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई. नेक्स्ट अप आई हैव मोर डर्मैट रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स. जो मेरी डर्मैट एकदम क्लियर कट बोलती है कि जब एक्ने ज्यादा हो तो प्लीज एक्सपेरिमेंट मत करो, यही वाले प्रोडक्ट्स यूज करो, या जब मैं कोई ट्रीटमेंट कराती हूँ तो मैं 1 week तक खाली यही वाले प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, बिकॉज ये मेरी डर्मैट ने अप्रूव करे हुए हैं. सबसे पहले है सेबामेट का क्लियर जेल, जो कुछ इस तरह से दिखता है. सो मेरी डर्मैट ने मुझे 2 जेल्स दिए हुए हैं एक्ने के लिए, लाइक कभी भी अगर एक्ने पॉप आउट
हो जाए या बहुत ज़्यादा लगे एकदम ब्रेकआउट्स हो गए, कभी कभी मीठा ज़्यादा खा लेते हैं या फिर बिफोर योर पीरियड्स एक होता है ब्रेकआउट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस केस में क्या करती हूँ, एक क्लियर जेल लेती हूँ और उसके अंदर जो मेरी डर्मेट ने अडेप्लिन मुझे एक ट्यूब दी हुई है, एपिडुओ आती है एक अडेप्लिन आती है, उसका पी साइज अमाउंट डाल के मिक्स करके फिर मुझे ऐसे ऐसे लगाना होता है। मैंने आपको अपने एक स्किन केयर रूटीन में भी ये बताया था, सो उन्होंने मुझे ट्रिक बताई हुई है कि इसको कैसे यूज़ करना, बिकॉज वो जो अडेप्लिन जेल्स होते हैं ना वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, आप उसको डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते, अदरवाइज दे विल ड्राई आउट योर स्किन, तो मैं इसको ऐसे ही यूज़ करती हूँ। अदरवाइज जब अभी बीच में बहुत गर्मी थी, मानसून की वजह से चिपचिपाहट थी ना, तो मैं जिम में भी यही वाला एज अ मॉइस्चराइजर लगा के जाती थी। दिस इज़ अ कम्प्लीटली क्लियर जेल अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, आपको एक्ने बहुत ज़्यादा है, आपका नहीं मन करता वो वाली क्रीम्स मॉइस्चराइजर्स लगाने का, तो ये काफ़ी अच्छा जेल बेस्ड नरिशमेंट है। नेक्स्ट वी हैव बायोडर्मा सीबियम हाइड्रा, इसके तो पता नहीं मैं कितनी ट्यूब्स फिनिश कर चुकी हूँ, अगर आप मुझे शादी से पहले के फॉलो करते हो आपको पता होगा, दिस वन इज रिकमेंडेड बाय माई डर्मेट, लेकिन मुझे इतनी अच्छी लगी कि जब भी खत्म होती थी मैं अमेजोन से एक और मंगा लेती थी। अभी मानसून का थोड़ा चिपचिप वाला वेदर है तो ये थोड़ी सी हैवी ग्रीसी है, बट विंटर्स में तो मेरी ये फेवरेट मॉइस्चराइजर है। ये बायोडर्मा का सीबियम हाइड्रा कुछ इस तरह से दिखता है, यू कैन सी फ्रॉम द पैकेजिंग, एंड दिस इज द अल्ट्रा मॉइस्चराइजिंग कंपनसेटिंग केयर एक्ने प्रोन स्किन अल्ट्रा ड्राई ड्यू टू ट्रीटमेंट्स। तो एक पर्टिकुलर स्किन कंडीशन के हिसाब से उन्होंने मॉइस्चराइजर निकाला है कि आपने कोई भी ट्रीटमेंट कराई, आपने कोई एक्ने का प्रोडक्ट यूज कर लिया, आपकी स्किन बहुत ड्राई हो गई लेकिन आपको नरिशमेंट चाहिए, तो उस केस में सीबियम हाइड्रा इज जस्ट अमेजिंग। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बट इट वर्क्स रियली वेल। नेक्स्ट एमटीज इज ऑल्सो समथिंग जो मेरी हर एमटीज वीडियो में होता है बिकॉज आई सिंपली लव इट। दिस इज द बायोडर्मा एक्वा फ्लूइड फोटोडर्म सनस्क्रीन, दिस इज अ टिंटेड वेरियंट, यह SPF 50 फॉर अल्ट्रा सेंसिटिव स्किन ड्राई टच इसका क्लेम है, लेकिन ये नरिशिंग है, सो ये एकदम पतली ऐसे फाउंडेशन जैसी सनस्क्रीन है, थोड़ी बहुत कवरेज देती है। मैं इसको ज्यादातर यूज करती हूँ थोड़ा बहुत विंटर या फिर जो फॉल का सीजन होता है, जब हल्की हल्की स्किन ड्राई फील होती है तब मैं इसको यूज करती हूँ, बिकॉज अदरवाइज अभी के वेदर में थोड़ी थोड़ी ग्रीसी फील होती है। बट इफ यू हैव ड्राई टू कॉम्बिनेशन स्किन, आप एक अच्छी टिंटेड सनस्क्रीन देख रहे हो, यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू बायोडर्मा। नेक्स्ट वी हैव अ शैम्पू फ्रॉम अनोमली, दिस इज अनोमली स्ट्रेंथनिंग शैम्पू फॉर रीजुविनेशन एंड रीवाइटलाइजेशन ऑफ योर हेयर। दिस इज ऑल द बॉटल लुक्स लाइक, लिटरली ऐसा लग रहा है वैसे जूसेस और कॉफी नहीं आती, बिल्कुल वैसी वाली बॉटल लग रही है, आप इसको वॉश करके भी यूज भी कर सकते हो, लाइक यू कैन यूज इट एज अ स्क्वीजी बॉटल है ना। वैसे भी इनकी जो बॉटल्स हैं ये अनोमली, अगर आपको नहीं पता, प्रियंका चोपड़ा की ब्रांड है, इनकी जितनी भी पैकेजिंग है वो रिसाइकल प्लास्टिक से ही बनती है। एंड दिस वन इज अ स्ट्रेंथनिंग शैम्पू, बहुत अच्छा शैम्पू है, नरिशमेंट बहुत अच्छी देता है, बालों को क्लेंस बहुत अच्छे से करता है। ये जब भी आपको नायका पे डील पे मिले ना ले लेना, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन डील के हिसाब से आई वुड से इट इज वर्थ इट। द ओनली कॉन इज इसका टेक्स्चर बहुत पतला था, लाइक लिटरली पानी जैसा इसका टेक्स्चर था, काफी बार ऐसे निकालती थी वो स्लिप ऑफ हो जाता था, इसको बहुत ध्यान से मैं वॉशरूम में यूज करती थी बिकॉज एक्सपेंसिव है ना, तो थोड़ा गिरता था, दुख होता था। इसका कंडीशनर अभी भी मेरे पास रखा है बिकॉज वो कम यूज होता है, बट शैम्पू आई लव इट, इट हैज राइस वाटर, इट हैज आमला ऑयल एंड इट इज क्लीन, क्रुएल्टी फ्री एंड नो सल्फेट, नो पैराबिन, नो थायलेट, नो सिलिकॉन, नो डाइज एंड नो मिनरल ऑयल। तो अगर आप एक क्लीन साफ सुथरा अच्छा शैम्पू देख रहे हो, कैन डेफिनेटली रीच आउट टू अनोमली। नेक्स्ट वी हैव कंडीशनर फ्रॉम नायका ओनली, ये नायका का एप्पल साइडर विनेगर एंड जिंजर रेंज का कंडीशनर, ये मुझे PR में आया था तो मैंने यूज कर लिया। मैं ज्यादा इतने कंडीशनर्स यूज नहीं करती, आई एम मोर लाइक अ हेयर मास्क गर्ल, या तो कभी कभी मैं शैम्पू ही करके निकल जाती हूँ या फिर मैं प्रॉपर हेयर मास्किंग करती हूँ। कंडीशनर मैं रेयरली यूज करती हूँ, लाइक कभी लगता है बाल बहुत ज्यादा ग्रीसी है, लाइक मास्क इतनी नीड नहीं है, तो मैं कंडीशनर यूज कर लेती हूँ। दिस इज अ वेरी डिसेंट कंडीशनर, इट्स नॉट दैट वाओ, ये जनरल कंडीशनर है, अगर आपको सस्ते में डील पे मिले तो ही लेना, अदरवाइज इट इज एन ओके ओके कंडीशनर। नेक्स्ट वी हैव अ हीट प्रोटेक्शन स्प्रे फ्रॉम बी ब्लंड, दिस इज अ हॉट शॉट हीट प्रोटेक्शन हेयर मिस्ट फॉर ऑल हेयर टाइप्स। ये मैंने बड़े मुश्किल से खत्म किया बिकॉज इतना ज्यादा लगता नहीं है, मैं इतनी ज्यादा हीटिंग टूल्स नहीं यूज करती, मैं लिटरली अपनी वीडियोज में ऐसे ही बैठ जाती हूँ, आई डोंट डू हेयर कर्लिंग प्रेसिंग बिकॉज आई फील लाइक डेली बेसिस का कॉन्टेंट बनाने के लिए अगर मैं अपने बालों को डैमेज करने लगी ना तो लॉन्ग रन में तो बिल्कुल गंजी हो जाऊंगी मैं, बिकॉज आजकल का ऐसा सिनेरियो है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद तो हेयर फॉल होती ही होती है, तो मैं इतनी ज्यादा हीट स्टाइलिंग नहीं करती, तो इसलिए मेरा ज्यादा यूज भी नहीं होता। मैं कहीं बाहर जाती हूँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन हो, हॉट ब्रश यूज करना है, प्रेसिंग मशीन यूज करनी है या फिर ब्लो ड्रायर भी, अगर आप हीट मोड पे यूज करते हो ना तब भी आपको हीट प्रोटेक्शन स्प्रे लगानी चाहिए, बिकॉज अगर आप नहीं लगाओगे आपके बाल जल जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, अजीब से सूखे सूखे हो जाएंगे। सो या ये मेरे बीच में खत्म हो गई थी एंड मैंने एक दो बार यूज नहीं किया, आई कुड सी कि मेरे बालों में से वो जलने वाली स्मेल आ रही है, तो मैंने इंस्टेंटली एक और ऑर्डर प्लेस कर दिया था। नाउ आई हैव अ फुल साइज वन जो मेरे पास रखी है, दिस इज वेरी नाइस। अगर आप एक अच्छा सिंपल हीट प्रोटेक्शन स्प्रे देख रहे हो जो आपके बालों में थोड़ी सी खुशबू भी लाए, आपके बालों को हीट से ही बचाए, गो फॉर दिस वन। नेक्स्ट वी हैव अ बॉडी पॉलिशिंग स्क्रब फ्रॉम बोहो बॉटनिस्ट, ये मुझे अर्बैनिक के एक PR बॉक्स में आया था। मैंने ज्यादा इस ब्रांड के बारे में ऑनलाइन कहीं देखा नहीं है, मुझे इतना कुछ दिखता नहीं है, बट अगर इसका लिंक मिलेगा मैं डाल
दूंगी। बाय द वे जितने भी प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने बोला है टू बाई लेने चाहिए, सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो प्लीज़ चेक कर लेना। सो दिस वन इज एन आलमंड एंड बवासु बॉडी पॉलिशिंग स्क्रब, और ये मैंने पूरा खत्म कर दिया है। लाइक देख रहे हो, जो प्रोडक्ट मुझे पसंद होता है ना, मैं बिल्कुल ऐसे निचोड़ देती हूँ उसको। ये बहुत अच्छा बॉडी स्क्रब है, इसके अंदर काफ़ी जेंटल एक्सफोलिएटिंग पार्टिकल्स हैं, लाइक इट्स लाइक अ नाइस थिक क्रीमी वाला इसकी कंसिस्टेंसी थी। स्क्रब भी अच्छे हैं जो काफ़ी अच्छे स्किन को स्क्रबी एकदम अच्छे से डेड स्किन सेल्स निकाल देते हैं। स्वीट इसकी फ्रेग्रेंस है, अगर आपको ओवर स्वीट फ्रेग्रेंस नहीं पसंद, आपको पसंद नहीं आने वाला, यू कैन गो फॉर द मैकैफीन वन जो कॉफी वाला आता है। देन वी हैव समथिंग फ्रॉम क्ले को, दिस इज क्ले एंड को राइस सेक स्लीपिंग मास्क, मुझे बहुत पसंद आया था, मैंने इनके साथ पेड कोलैबोरेशन में वर्क किया था, एंड आफ्टर दैट आई मेंशनड इट इनसेनली ऑन माय इंस्टाग्राम स्टोरीज बिकॉज ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने पूरा खत्म कर दिया है। ऑयली स्किन के लिए, एक्ने प्रोन स्किन के लिए रात को लगाने के लिए बहुत अच्छा स्लीपिंग मास्क है, अच्छे से एक लेयर लगाई सो गए, सुबह स्किन वॉश करो ना तो ऐसा लगता है हाँ एकदम स्किन एकदम क्लेंज रहती है। बहुत फेस मास्क मुझे लगा क्ले एंड को का, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दीज प्रोडक्ट्स, प्लीजिंग भी लगते हैं, बड़े सुंदर भी लगते हैं, एंड दे वर्क इफेक्टिवली। नेक्स्ट अप वी हैव विश केयर हेयर ग्रोथ कंसेंट्रेट सीरम, जो मैं काफी सारे फिनिश कर चुकी हूँ, मोर देन 2-3 बॉटल्स मैंने इसकी फिनिश कर दी, आपको मेरे प्रीवियस एमटीज वीडियो में भी ये दिख गई होगी। वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छी है अगर आपको हेयर ग्रोथ पे वर्क कर रहे हो, अगर आपको बॉल्डिंग एंड ऑल इशू है, लाइक मुझे यहाँ पे बीच में हो गया था, ऐसा लगा था लिटरली मैं ऐसे गंजी हो रही हूँ, मेरे यहाँ पे पैच बनना शुरू हो गया था, तो मैंने इसको रेगुलरली यूज किया। मैंने इसका रिव्यू अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर भी डाला था, रील्स पर भी डाला था, आप डेफिनेटली वो चेकआउट कर सकते हो। आई थिंक यूट्यूब पे भी मैंने रिव्यू डाला हुआ है, यू कैन सिंपली सर्च कशिका विशकेयर, आपको वीडियो दिख जाएगी। वेरी वेरी नाइस, ये 50% ऑफ पे है, जब भी बाय वन गेट वन ऐसी डील्स आती है ना विशकेयर पे, आप ये ले सकते हो, बहुत अच्छा। नेक्स्ट एमटीज की फ्रेश न्यू पैकेजिंग मैं रिसेंटली लेके आई हूँ बिकॉज आई सिंपली लव्ड इट। जूडियो के ब्यूटी सेक्शन में एक चीज़ मैं बोलूँगी आग बंद करके ले लो, वो है जूडियो का नेल पॉलिश रिमूवर, ये 50 रुपीज़ का आता है, दिस इज सो सो गुड। पहले मैं लोकल मार्केट से ना 50 रुपीज़ वाले लेती थी जो बिल्कुल ऐसे चीप क्वालिटी के होते हैं, फिर उसमें खुशबू बड़ी गंदी आती थी, अब मैंने बिल्कुल वो बंद कर दिया है। ये काफ़ी अच्छे हैं, नेल पेंट बहुत अच्छे से निकल जाती है, आपके नेल्स ड्राई नहीं होते, काफ़ी अच्छे एक ऑयल की लेयर ये छोड़ के जाता है। दिस वन हैज़ एलोवेरा ऑलिव ऑयल विटामिन ई एंड दिस इज एसिटोन फ्री, तो आपके नेल बेड को वीक नहीं करेगा, सो ओवरऑल यूज करने के लिए काफी अच्छा। एंड विद दिस माय एमटीज वीडियो इज ओवर, इन सबके लिंक्स जो मैंने बोला है आपको शॉर्ट लेने चाहिए, मैं सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। काफी सारी चीजों पर कुछ ना कुछ डील चलती रहती है, अगर मेरा डिस्काउंट कोड होगा तो मैं वो भी डाल दूंगी, सो दैट यू कैन ग्रैब मोर ऑफर। एंड ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आपने पर्सनली यूज किया, आपके पास कैसा वर्क किया, प्लीज मुझे नीचे जरूर बताना। और मेकअप का एमटीज मैं सेपरेटली बनाऊंगी बिकॉज मेकअप ऐसी चीज है जो एमटी होता है लेकिन नहीं भी होता, लाइक समझ रहे हो, फाउंडेशन आधा आधा बचा होगा, आई शेडो एक्सपायर हो जाती है, सो उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। दिस इज जस्ट बॉडी केयर, स्किन केयर, हेयर केयर, सो या आई होप यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल, लेट मी नो आपको कौन सा बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, ये बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है पहले वाला या फिर वो डार्क कर्टेन वाला, आपको जो बैकग्राउंड अच्छा लगेगा आई विल मेक मोर वीडियोज इन दैट बैकग्राउंड, एंड या आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।